अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहू। मेरा नाम जाहिद अहमद शाह है, मैं कश्मीर अनंतनाग में रहता हूँ। तो मैं यहाँ सऊदी अरब में आया हूँ, मुझे यहाँ 5 महीने हो गए। मुझे इश्फाक अवंतीपुरा, इश्फाक रहता है अवंतीपुरा में, उसके ऑफिस का नाम है इश्फाक अल मेहराब। तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, श्रीनगर में मुझे झूठा इंटरव्यू करवाया, और उसके साथ ये मुंबई का कंसल्टेंसी है मौला इंटरनेशनल, उन्होंने मुझे झूठा इंटरव्यू करा के यहाँ भेज दिया। 5 महीने हो गए मुझे इधर, अभी तक कोई काम नहीं मिला। तो इससे पहले रमजान के महीने में मिला मुझे एक महीने के लिए काम, उधर से वापस बुलाया गया है कि ना मुझे सैलरी मिली अभी तक, ना खाने के लिए कुछ देर। अभी मुझे रात के 12 बजे मुझे रूम से, अकोमोडेशन से बाहर लाया गया है। मैंने उसको बोला, अपने कफिल को बोला था, मुझे यहाँ दे दो, ये यहाँ ट्रांसफर दीजिए मुझे, या घर भेज दे मुझे। उसको गुस्सा आ गया, उसने मुझे अकोमोडेशन से बाहर किया। देखे, मैं भी सुनसान एरिया में हूँ, यहाँ कोई मुझे जानता ही नहीं है, ना अपना कश्मीर का है ना कोई है। तो मैं इश्फाक को मैं आज रिप्लाई कर, ये मैसेज कर रहा हूँ, वो अभी रिप्लाई नहीं कर रहा है। उसको मैंने एक महीने से मैसेज करता रहा मैं उसको, वो रिप्लाई नहीं करता है। मेहरबानी करके मैं अपने आवाम, कश्मीर के आवाम को, और कश्मीर के चाहे डीसी हो, डीआईजी हो, कोई भी हो, बहुत सारे अफसरों से कश्मीर में, उनको मैं मोहतबाना अपील करता हूँ, वो मुझे हेल्प करे और इश्फाक को जल्द से जल्द अरेस्ट करे। बाकी शुक्रिया।